फर्रुखाबाद से खबर है, कोहरे का कहर, रोडवेज बस व ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत। रोडवेज बस व ट्रक चालक की घटनास्थल पर मौत। बस में सवार करीब एक दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल। वाहन ने कई सवारियों को आई मामूली चोटें। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रोडवेज बस में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सवारियों को एम्बुलेंस जिला अस्पताल लोहिया भेजा। एक्सीडेंट होने पर धमाके की तेज आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ भाग कर मौके पर पहुंची। फर्रुखाबाद की तरफ से साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस फर्रुखाबाद से सवारियां लेकर जा रही थी। दिल्ली ट्रक में लदा हुआ था। शकरकंदी थाना नवाबगंज क्षेत्र में मंजना नवाबगंज मार्ग पर गांव जोधा नगला के पास का मामला हम आपको बता रहे हैं। ये नगला जोधा के पास बस की, रोडवेज बस की और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि बस ड्राइवर और जो इसका जो कंडक्टर है इसका, वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक के बस की और ये अपना बस के जो है, इन दोनों ड्राइवर की मौत हो गई मौके पे ही। और बाकी जो सवारियां थी, लगभग चार सवारियां हमारे पास आई हैं जो कि गंभीर रूप से घायल थी, जिनका यहाँ पे सीएससी नवाबगंज में प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी पुलिस को फिर सूचित कर दी गई है। वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि करीब एक दर्जन के लगभग घायल हैं यहाँ पे, मतलब अपने सीएससी नवाबगंज में अभी सिर्फ चार लोग आए हुए हैं एम्बुलेंस द्वारा, तो उनका हुआ है। बाकी अगर जो भी अगर घायल हुआ है तो अदर कोई भी गाड़ी से या एम्बुलेंस द्वारा आएगा, वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। ट्रक और रोडवेज की जो भिड़ंत हुई, लगभग कितनी कैजुअलिटी हुई, कितने लोग घायल हुए? ये आज सुबह करीब 8 बजे के करीब ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम नगला जोधा है, वहाँ पर एक रोडवेज बस और एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं और रोडवेज ड्राइवर हैं, मौके पे ही वो एक्सपायर कर गए हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर 6 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत से वहाँ से नवाबगंज सीएससी भेजा गया था, जहाँ से उन्हें यहाँ पर लोहिया राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, जो घायल हैं उनका बेस्ट उपचार किया जा रहा है। डीएम साहब और हमारे द्वारा और हमारे अन्य जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा लगातार इसे कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है। मौके से भी जो गाड़ियां हैं उनको हटवाया जा रहा है, उसके लिए वहां पर भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं। और कौन कौन लोग सवार थे, इसके अलावा अगर अन्य कोई ऐसी बात आती है तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी सभी का जो बेस्ट इलाज है उसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है। और इसमें बाहर से भी डॉक्टर सर बुलाने के लिए कहा गया है सर आपके यहाँ पे? निर्देशित किया गया है सीएमओ साहब को कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी डॉक्टरों को बुलाया जाएगा, और जो बेस्ट इलाज वो दिया जा रहा है और वहाँ से उनको हटाया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। थैंक यू।